भूख एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं थमती, चाहे वो आगे बढ़ने की भूख हो, शौहरत की भूख हो, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब की भूख क्यों ना हो। तो इस भूख की शुरुआत जुलाई 16, 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब से हुई। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार हुआ, फिर एंटी मैटर बॉम्ब बना, और उसके बाद रशिया ने टसार बॉम्ब बनाया जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब है। पर हम वहाँ भी नहीं रुके और इसने एक नया कंसेप्ट हमारे सामने रखा, वो था कोबाल्ट बॉम्ब का, जो कि इतना ताकतवर है कि अगर इसे ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको वो बस एक छोटी सी चीज लगे इस कोबाल्ट बॉम्ब के सामने। तो जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो वो तीन फेजेस में होती है। पहला फेज 1 सेकंड से कम में, यानी मिली सेकंड्स में होता है, जब एक प्लाज्मा की 2 किलोमीटर बड़ी बॉल बनती है जो कि सूरज से ज्यादा गर्म होती है। तो उसके बनते ही जो चीज या लोग 2 किलोमीटर के अंदर आते हैं उनकी समझ आने से पहले वो धूल बन जाते हैं। उसके बाद एक थर्मोन्यूक्लियर पल्स बनती है जो कि 13 किलोमीटर के अंदर के रेडियस को पूरा जला देती है, और फिर दूसरे फेज में शॉक वेव्स आती हैं। तो कुछ सेकंड्स बाद जो भी चीजें 175 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आती है वो सब ऐसे उड़ जाती है जैसे वो सब पत्तों से बनी हो। फिर वहां से थर्ड फेज की शुरुआत होती है। तो बॉम्ब फटने के 1 मिनट बाद आसमान से रेडियो एक्टिव बारिश होने लगती है, जिससे जितने भी लोग बचते हैं उन्हें इतना रेडिएशन मिल जाता है जिससे उनके कैंसर से मौत हो जाए, और ये आने वाले 6 महीनों तक रहेगा। तो ये होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। हाँ, एक और टिप, कभी भी किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को फटते हुए मत देखना, क्योंकि उसे देखने पर आप 1 घंटे तक अंधे हो जाओगे। और कभी भी खिड़की के सामने खड़े होकर फोटो मत खींचना, क्योंकि सोशल मीडिया पे डालने से पहले आप शॉक वेव से मर जाओगे। तो ये तो रहा पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये तो बहुत पिद्दी सी चीज है कोबाल्ट बॉम्ब के मामले में। तो चलिए चलते हैं 1945, जब कई साइंटिस्ट एक साथ आए थे न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में। उनमें से एक थे लियो जिलार्ड। तो हिरोशिमा और नागासाकी के इंसिडेंट को देखकर उन्होंने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया, और 1950 में उन्होंने कोबाल्ट बॉम्ब का कंसेप्ट हमारे सामने रखा, जो कि एक ऐसा बॉम्ब है जो पृथ्वी से जीवन को मिटाने की ताकत रखता है। इसे बनाना बहुत आसान है, बस थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं, उसके अंदर कोबाल्ट 59 को इंस्टॉल कर देना, क्योंकि कोबाल्ट 59 बहुत ही स्टेबल आइसोटोप है कोबाल्ट का। आप कोबाल्ट बॉम्ब की खासियत देखिए, ये बॉम्ब ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर मशरूम नहीं बनाएगा, ना ही इससे ज्यादा तेज लाइट रेडिएशन होगी। ये एक सिंपल बॉम्ब होगा। इस बॉम्ब का मेन पर्पस है ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन करके लोगों को मारना। आप खुद ही सोचिए, अगर एक बॉम्ब दिल्ली में गिरे तो दिल्ली में ही ज्यादा तबाही मचाएगा, पर कोबाल्ट बॉम्ब दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा के भी बहुत सारे शहरों के लोगों को भी मार देगा, तब ये बहुत खतरनाक है। अब है तो एक हाइड्रोजन बॉम्ब ही, तो जो 3 फेज होते हैं किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के वो तो होंगे ही, पर इसके फटने के बाद असली चीज शुरू होती है। तो इसके फटने के कुछ 98 सेकंड बाद फ्यूजन रिएक्शन के न्यूट्रॉन्स कोबाल्ट 59 को कोबाल्ट 60 में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एकदम से भाप बन के हवा में चला जाता है, और फिर कंडेंस होने के बाद वापस पृथ्वी पे गिरने लगता है, और गिरते ही ये पूरे एरिया में हवा को जहरीला बना देता है और हर जगह रेडिएशन फैला देता है। तो कोबाल्ट बॉम्ब की हाफ लाइफ 5 साल है, तो रेडिएशन तो ये भर के फैला सकता है। अब देखिए, किसी भी जगह हाइड्रोजन बॉम्ब का रेडिएशन सिर्फ 6 महीने ही रहता है, पर इस कोबाल्ट बॉम्ब में ये कई कई गुना ज्यादा है, इंसानों की औसतन उम्र से भी ज्यादा। और अगर जिस दिन ये बॉम्ब फटा उस दिन हवा अगर तेज होगी तो आसपास के शहरों को भी जानलेवा रेडिएशन झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर अमेरिकन स्कॉलर स्टीफन स्क्यूवर्ट्स की माने तो अगर एक कोबाल्ट बॉम्ब वॉशिंगटन डीसी में फटा तो उसका रेडिएशन कैनेडा और मेक्सिको तक पहुंच जाएगा। उसी के साथ साथ फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिसर्च माने तो अगर हमने सिर्फ 9 ग्राम कोबाल्ट 59 इस्तेमाल किया तो दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में कई सालों तक कोई नहीं रह पाएगा। तो 5 साल बाद जब ये कोबाल्ट 60 अपनी हाफ लाइफ को पूरा कर लेगा तो उस एरिया में रेडिएशन का लेवल 5 टीवर्ट्स पर आर का हो जाएगा। सीवर्ट्स का मतलब होता है कि आपके 1 किलो टिश्यू को 1 जूल्स ऑफ रेडिएशन का डोज मिलेगा, और जिंदा बचने के लिए 5 माइक्रो स्टीवर्ट्स पर ईयर होना चाहिए। तो 5 स्टीवर्ट्स पर आर में उस एरिया के आधे लोग
एक से दो महीने में मर जाएंगे और जो बचेंगे उनमें कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर 10 हाफ लाइफ यानी 53 साल बाद वहाँ का रेडिएशन गिर के 10 माइक्रो स्टीवर्ट्स पर आर हो जाएगा, मतलब आप उस जगह एक से दो दिन रह सकते हो पर आपको कैंसर जरूर होगा। उसके बाद 20 हाफ लाइफ यानी 105 साल बाद यहाँ का रेडिएशन 10 माइक्रो सीवर्ट्स पर आर हो जाएगा। अब यहाँ लोग रह तो पाएंगे पर उनमें जीन म्यूटेशन और कैंसर के चांसेस तिगुने हो जाएंगे। फिर उसके बाद 25 हाफ लाइफ यानी 130 साल बाद यहाँ रेडिएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जिसे कहते हैं नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन। आप खुद ही देखिए कहाँ 6 महीने और कहाँ 130 साल। तो ये है पूरे कोबाल्ट बॉम्ब का कंसेप्ट और पूरी दुनिया से जीवन को खत्म करने के लिए 510 टन कोबाल्ट बॉम्ब चाहिए होगा। तो इससे पहले आप अपने बंकर बनाने की सोचे तो एक अच्छी खबर सुनिए। तो 1957 में अरिलिंगा की एक स्टडी ने बताया कि ये कोबाल्ट 59 फ्यूजन रिएक्टर से उतना एक्टिवेट नहीं हो सकता जितना साइंटिस्ट ने सोचा था, और उसी के साथ साथ कोबाल्ट 60 का रेडिएशन ढंग से हर जगह नहीं फैलता, मतलब है कि कई ग्रीन जोन भी होंगे तो जीवन बच सकता है, बस आपकी किस्मत और वक्त सही होना चाहिए। और तीसरा, ये कोबाल्ट बॉम्ब अभी बस थ्योरी है, पर जरा रशिया की एक सीक्रेट लीक हुई मिलिट्री प्रोजेक्ट को देखिए जिसका नाम है स्टेटस 6। तो वो एक ऐसा टॉर्पीडो बना रहे हैं जो कि बिल्कुल कोबाल्ट बॉम्ब जैसा है, और इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो ये जरूर बन रहा है। और सोचिए अगर किम जोंग उन ने इसे बना लिया तो पूरी दुनिया तो यही देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कभी चूहा अपने लिए चूहेदानी नहीं बनाता। तो आपको क्या लगता है इस कोबाल्ट बम के बारे में? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त के मन में थोड़ी टेंशन डेवलप हो। और अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे जरूर दबा दीजिए, एज इससे हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। और अगर आपने इतना ही कर दिया है तो आप उस बेल आइकन को भी छोड़ रहे हैं, उसे भी दबा दीजिए। सो इन द एंड टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।